सो हेलो गाइस। तो गाइस बात करते हैं सौरभ जोशी और प्रिया थापा के बारे में। तो क्या फाइनली सौरभ जोशी ने प्रिया थापा को प्रपोज कर दिया? रिसेंटली सौरभ जोशी ने अपने साथ प्रिया थापा की एक पोस्ट शेयर की इंस्टाग्राम पर, जिसके बैकग्राउंड में लिखा विल यू मैरी मी, और सौरभ जोशी ने एक कमेंट भी किया फाइनली, और कई जनों ने इनको बधाई भी दी, जैसे मिस्टर इंडियन हैकर, द पारस ठकराल, मिस्टर वी। तो क्या गाइस, क्या सच में सौरभ जोशी ने प्रिया थापा को प्रपोज कर दिया या फिर यह कोई प्रैंक है? प्लीज आप कॉमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं रूबल धनकर और एलबीस यादव के बारे में। आपको तो पता ही होगा रिसेंटली एलबीस यादव को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, आपको तो पता ही होगा सब कुछ। और सोशल मीडिया पर उनकी एक इमेज बनी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग उनको छपरी वगैरह या फिर गैंगस्टर वगैरह बोलते रहते हैं उनको। तो क्या सच है, सच में एलबीस यादव ऐसे हैं? इस चीज के बारे में रूबल धनकर ने एक पॉडकास्ट में रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए उनसे। इसका आपने नाम लिया एलबीस, बहुत ही स्वीट बच्चा है। मैं तो उसे बच्चा ही कहूंगा, जब मेरे से मिला वो 21 साल का था, और हमने काफ़ी जर्नी, मतलब हम बाहर भी ट्रैवल किए हैं। अच्छा। हम यूपी भी गए हैं, साथ में रहे भी हैं। तो बहुत स्वीट बच्चा है। अभी तक जो मीडिया ने देखा है या किसी और ने देखा है, उन्होंने उसके साथ समय नहीं बिताया। मैंने समय बिताया, हमने ट्रैवल किया है, फ्लाइट में गए हैं, होटल में रुके हैं, बाहर मस्ती की है, और हम तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं साथ में, योगी साहब के वहाँ गए थे, तो CM साहब के वहाँ। तो उसको जो इंटरनल जानता है वो बहुत अप्रिशिएट करेगा, जो जानता ही नहीं है वो एक होती है ना कि बैड बॉय वाली इमेज बना देते हैं। तो मैंने कुछ बोल दिया तो दूसरे को भी यही लगा, हाँ यार उसकी माइंड में वही चला जाएगा। लेकिन वो बहुत स्वीट है, और आपने देखा ही होगा हाल ही में जो भी चल रहा, जब आप एक टाइम पे समय से पहले, उम्र से पहले कोई चीज़ पा लेते हो ना, तो कई बार ये चीज़ें होने को होती है।